आज 25 जून 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 4:14 तक और उसके बाद नवमी तिथि। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और आज मासिक कालाष्टमी। मेष राशि वाले काम से बनने वाले लाभ से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं, इसी वजह से आप कई ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जिनसे जिंदगी के हालात बदल जाएं। पर यह समय गलती भरा है जिसके चलते आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी भी ऐसे विचार को फिलहाल बनाने से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपनी स्थिति को धैर्य से समझना भी होगा और संभालना भी होगा। अगर कुछ कमियां नजर भी आ रही हैं तो भी अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की जरूरत पड़ेगी। लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से आपका मन परेशान रहे, ऐसा हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति यह है कि अपने कामकाज से जुड़े हालात को संभालने में गलती हो सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कई चीज़ों को लेकर आपका असंतोष उजागर हो रहा है। अपनी उम्मीदें पूरी होने में कमी रह जाए तो भी इंसान बिखर सा जाता है। क्या करना चाहिए समूह? हो सकता है लोग आपके प्रति उतने मददगार ना, पर आपको अपने हालात को संभाले रखने का समय है, इसलिए लोगों से उलझते चले जाने से बचना होगा। अपनी ओर से किसी के भी प्रति कोई दबाव बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं छुपी हुई आप ही की गलती होगी। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज से जुड़े हालात संभालने से ही संभलेंगे, इसलिए काम के प्रति अपनी लगन बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हालात का उतार चढ़ाव बना रहेगा और परिस्थितियां आपसे आंख मिचौली खेलती रहेंगी। ये जिंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको कबूल करना ही पड़ता है। क्या करना चाहिए समूह? अपने आसपास के लोगों को बहुत सहजता से संभाल लें, और अगर वो कामकाज से जुड़े साथी सहयोगी हैं तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत। आपका प्रदर्शन अच्छा है और उसे और ज़्यादा केंद्रित बनाए रखने की भी जरूरत। क्या ना करें समय में? एक ओर तो आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपनी बचत बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी ओर आप अपने हालात को संभाल नहीं पा रहे इसलिए इच्छाएं बढ़ी हुई हैं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि अगर रिश्तों में किसी भी तरह की दरार पड़ जाएगी तो उसका बुरा असर बहुत दूर तक जाएगा, और फिर कोशिश करने के बाद भी वो फासले बने रहेंगे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पा रहे, जबकि आपने अपनी सूझबूझ बनाए रखने में कोई कमी नहीं रखी। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी हों पर अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, और इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको अपनी सूझबूझ भी बढ़ानी होगी। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए जूझना तो पड़ेगा। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि मन की परेशानियों के बहुत सारे कारण हैं। अचानक नुकसान की वजह से भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तकदीर को आजमाने से भी नुकसान पैदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। जिनके प्रति आप अच्छा सोचते हैं उन्होंने भी आपसे किनारा करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको हर संभव कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की ताकत को कम ना समझें और उसमें अपनी लगन को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि किसी भी और चीज़ का बुरा असर आपके कामकाज की अच्छाई पर ना पड़े। कन्या राशि वाले रिश्तों के प्रति अच्छा सोचते हैं और किसी प्यार के रिश्ते की वजह से तकरार की स्थिति बनी रह सकती है, जिसका बुरा असर फिर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी पड़े, तो कुल मिला के रिश्तों का ताना बाना कठिन होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय? आप लोगों के भरोसे चल रहे हैं और आपकी कोशिशें कमज़ोर पड़ती चली जा रही हैं। अच्छाई है कि हालात फिर भी हर तरह से आपकी मदद ही कर रहे हैं, पर अगर आप कमियों की ओर ध्यान दे लेंगे तो आपकी अच्छाई में और आपकी उपलब्धियों में इजाफा किया जा सकता है। तुला राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो कुछ बेहतर करने की प्रेरणा जगेगी, और उस स्थिति में भी आपको अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटाना ही पड़ेगा। लोगों के प्रति मन में जो भ्रांतियाँ पैदा कर रखी हैं उन्हें भी दूर करना होगा ताकि आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाए। क्या करना चाहिए समय में? ऊपरी तौर पर आप लोगों के प्रति सहजता अपनाए हुए हैं, पर बारीक बात यह है कि आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट आ चुकी है, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रति गलत ही सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ गलत कह भी रहे हैं। इसी कमी को दूर करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले रिश्तों के प्रति संवेदनशील हैं, पर फिर भी गलतियाँ होती चली जा रही हैं। आप अपनी अच्छाई के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा कहते चले जा रहे हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए इस बात को समझ लें कि ये गलती भरा समय है जिसमें आपकी कमियां और गलतियां ही नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और कोई भी कदम उठाने से पहले रुक जाना होगा। किसी भी चीज़ में कूद जाने से बेहतर ये होगा कि रुक जाएं और थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाने दें ताकि सही समय पर आप अपने कदम आगे बढ़ा सकें।
धनु राशि वालों के घर परिवार में फासले बनेंगे तो आपका मन परेशान होगा और इस वजह से पारिवारिक रिश्तों को भलीभांति संभालने की जरूरत पड़ेगी। उन फासलों में कहीं ना कहीं आपके बनते बिगड़ते विचारों की भूमिका भी शामिल है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान पैसे से बढ़कर रिश्तों का भी हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह के विकल्प को भलीभांति समझ के ही कदम उठाने की जरूरत है। कामकाज से जुड़े दबाव भी बढ़ जाए तो भी नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे के लेन देन को आसान ना समझें और सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि आपकी बचत आपकी हर दुविधा का हल निकाल देगी। जैसे मुश्किल भरे समय में आपके अपने भी साथ नहीं देते, उस तरह से मुश्किल भरे समय में पैसा भी साथ नहीं देता। मकर राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, पर फिर भी कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय पीछे हटते चले जा रहे हैं आप, और इस समय की सबसे बड़ी कमी भी यही है। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में कई तरह के बदलाव होते चले जाते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुरूप या अपनी इच्छाओं के खिलाफ, पर जो चीज़ हमारे अपने बस में है उस ओर ध्यान दे लेने की जरूरत है, जो हमारे बस में नहीं है उसे भुला देना ही बेहतर। क्या ना करें इस समय? रिश्तों के प्रति अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है और घर परिवार में अपनों की हर बात को समझने की कोशिश भी करनी होगी। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि मानसिक उथल पुथल इंसान से कई कुछ करवा लेती है, और अगर कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देने की कोशिश करे तो फ़ायदा उसी में है। मुश्किल ये है कि इस समय आपकी मेहनत उभर कर नहीं आ रही, और ये सबसे बड़ी कमी है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज आपकी तवज्जो मांगता है और आपकी मेहनत भी मांगता है, आपकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और आपके अपनों को इस बात को समझने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाके हालात को संभालना आसान हो पाएगा। मीन राशि वालों की सूझबूझ इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी क्षमताओं को कितनी दिशा दे पाते हैं। हालात उसमें शायद उतनी मदद न कर पाए, पर आपका बेहतर होता हुआ प्रदर्शन उसमें चार चांद लगा सकता है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आपकी लगन की जरूरत, पर कामकाज की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए यथास्थिति बनाए रखने की भी जरूरत है। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, पर हर एक चीज के बारे में थोड़ा सा मनन करना होगा।